ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के अशोक विहार फेस टू में 14 अप्रैल की शाम को माता की चौकी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अशोक विहार और आसपास के गणमान्य लोगों ने शिरकत की और माता के भजनों पर भक्ति के सागर में डुबकी लगाते हुए शाम को यादगार बनाया। शाम को करीब 7 बजे माता की ज्योति प्रज्वलित की गई और पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में इलाके के सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ राजनीति जगत के कई नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर माता के भजनों ने ऐसा समा बांधा कि सभी भक्ति में झूमते नजर आए। माता की चौकी का समय इतना ठीक था कि नवरात्रि अपने समापन की ओर थे और सभी के मन में माता रानी की छवि सभी को प्रफुल्लित कर रही थी और ऐसे माहौल में भजनों का आनंद और बढ़ गया। जो लोग चलने में अच्छी तरह से सक्षम नहीं थे वो भी इस कार्यक्रम में आकर माता रानी की भक्ति में झूमते नजर आए। कार्यक्रम स्थल पर माता की ज्योत एक अलौकिक वातावरण बना रही थी और पूरा मंच बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। माता की सुंदर झांकी पर जिसकी भी नजर पड़ रही थी वो मंत्रमुग्ध हो रहा था। माता का आशीर्वाद मिले सबको, प्रसन्नता रहे सबके घर में, खुशियाँ रहे सबके घर में। अभी हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, वो सबका बहुत अच्छा जाए, सब ऐसे ही खुश रहे। सभी को एक बार फिर से जय माता दी, हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सबकी झोली भरे, यही मनोकामनाएं मेरी। धन्यवाद। अजय जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने माता रानी के दरबार में हमारे को बुलाया और आशीर्वाद दिलवाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे B1 ब्लॉक रेजिडेंट ने मिलकर ये माता रानी का जगह माता रानी की चौकी का यहाँ पे आयोजन किया है और बड़ी खुशी है कि इसमें अशोक विहार के सारे जनवासी यहाँ पे आए हैं और हमें सहयोग दे रहे हैं इस काम में, और बड़ा अच्छा लग रहा है जब वो यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे साथ मिलके माता रानी की जय जयकारा कर रहे हैं। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और माता की आरती का समय आया। सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव के साथ माँ की आरती गाते हुए अपने जीवन को सफल बनाया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ ऋषि शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर